आइए, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं एक ऐसा समय देख रहा हूं कि आप लोगों के कारण, जो बाहर से लोग आए हैं उनके कारण, अब लोगों को आप यहाँ के दिल्ली वासियों को आप कहना आ गया। आप लोग कारण पश्चात सभा में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, जैसे कि हमने कहा उनको डाल दिया जाता है ओल्ड एज होम में, और साल में एक बार या दो बार उसके बाल बच्चे जाते हैं उनसे मिलने, हम लोग उनको सम्मान दें, पैर छूटे। हमारे माता पिता नहीं भी हो, अगर बुजुर्ग हैं तो पैर छूटे और उसमें गर्व महसूस करते हैं, लेकिन ये अब लुप्त हो रहा है। अब तो ये अंग्रेजी के भाषा के साथ साथ, जैसे कि दीपक जी ने कहा, अंग्रेजी के भाषा के साथ साथ हम लोग उनके तौर तरीके को भी अपनाने लगे, क्योंकि निकृष्ट है वो तौर तरीके, निकृष्ट है, इससे हम लोग को बचना चाहिए। सभ्यता और संस्कृति का दूसरा एक इंडिकेटर क्या है, हम अपनी महिलाओं का कैसे सम्मान करें। हम अपने यहाँ अपनी महिलाओं को, जो हमारी पत्नी नहीं है उनको छोड़कर सभी को हम लोग माँ और बहन मानते हैं, वहां पर महिलाओं को लोगों ने सेक्स ऑब्जेक्ट बना करके रख दिया। अंतर यह है, और ये अंतर बना रहना चाहिए कि सभी महिलाएं हमारी माँ और बहनें हैं, और हम हमारे संस्कृति और संस्था में एक जो हमारे ईश्वर है उसमें महिलाएं हैं, दुर्गा माँ है, शक्ति के प्रतीक। ये जब कि भूल जाएंगे तो हमारा समाज भ्रष्ट होने के कगार पर आ जाएगा, जो कि आ गया है, आ रहा है। ये पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य सिनेमा और पाश्चात्य लेखन का देन है। आज जो लोग अंग्रेजी बोलना सीख करके अंग्रेज हो जाते हैं, ये उनकी देन है। महिलाओं को माँ और बहनों के रूप में नहीं देखना, ये उसका प्रभाव है, उसका कुप्रभाव है। तो इससे हम लोग को बचना है, हम लोगों को दूसरे के संस्कृति का गुलाम नहीं होना है। अब हमारी संस्कृति उसे बेहतर है, उनको सुधारना है, जैसे हम लोग दिल्ली को सुधार रहे हैं वैसे उनको भी सुधारना है। आज माफ कीजिएगा, लोगों को खराब लगेगा, आज अमेरिका के एक राष्ट्रपति के जो प्रत्याशी हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, ये उनकी तीसरी शादी। आइए, आम बात अमेरिका में, हमारे यहाँ शादी होती है तो जिंदगी भर के लिए, किसी का मन में नहीं आता कि हाँ साहब से दूसरी शादी, तौबा तौबा, हो ही नहीं सकता, किसके मन में आता है, कभी नहीं। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, शादी हो गई तो जिंदगी के लिए हो गई, चाहे कैसी भी हो। अमेरिकी सभ्यता में शादी तब तक है जब तक और कोई बेहतर देखने वाली महिला नहीं मिली। तो इस ओर उस ओर हम लोग नहीं जाएंगे तो बेहतर। आप सोचिए, क्या महात्मा गांधी पाश्चात्य सभ्यता में पैदा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हमारी ही सभ्यता है जिसमें कि त्याग को हम लोग इज्जत देते हैं, जिसमें कि शादी को इज्जत देते हैं। महात्मा गांधी जी एक धोती पहनते थे और चप्पल पहनते थे, हम लोग इसके लिए उनको इज्जत देते हैं। आप अमेरिका में जाइए, देखिए, अमेरिका छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे यहाँ भी ये आलम आ गया है, ये स्थिति आ गई है कि अब जो बड़की जो जितनी बड़ी गाड़ी है, लोग सोचता है कि हम उतनी बड़ी गाड़ी में बैठे तो हमारी इज्जत ज्यादा होगी, ये उनको लगता है, लेकिन वास्तव में ये सही नहीं। आप जाकर के अपने गांव में देखें, अपने क्षेत्र में देखें, जाकर के देखें, और अगर आप सादगी से रहते हैं तो आपका इज्जत, तड़क भड़क में इज्जत नहीं। जो लोग नए नए पैसा बना लिए हैं इधर उधर से, उनको लगता होगा कि तड़क भड़क में इज्जत, लेकिन हमारे यहाँ सादगी में और त्याग में इज्जत। इसीलिए महात्मा गांधी हमारे यहाँ पैदा हुए। आपने कभी सोचा कि कहीं ये इंग्लैंड में और अमेरिका में क्यों नहीं हुए ऐसे व्यक्ति, जो कि एक वर्ष धारण करने में अपने आप को सोचा था कि हाँ साहब तो यही सबसे बेहतर है, कभी सोचा? ये हमारी संस्कृति की देन, हमारी संस्कृति का यह एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है हमारी संस्कृति का, महात्मा गांधी हमारी संस्कृति की ही पैदावार। हमारी ही संस्कृति है जहां पर कि अगर हमें किसी चीज से लड़ना है तो हम दूसरे को नहीं पीटते, हम अनशन करते, भूख हड़ताल करते, ये और कहीं नहीं होता। सोचिए आप, कहीं होता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में कि किसी चीज को बदलने के लिए कोई भूख हड़ताल पर बैठ जाए, कोई अन्ना हजारे उधर पैदा हुआ या महात्मा गांधी पैदा हुआ?
जो कि कहे कि नहीं साहब ये नहीं करोगे तो मैं अपनी जान ले लूंगा, नहीं हुआ। ये अंतर अपनी संस्कृति को समझिए। हमारी संस्कृति बहुत बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग उसे भूलते जा रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता के कारण, और हम लोग को इस पर सतर्क भी रहना। हम लोग सभी बाल बच्चे हैं, उनको अपनी संस्कृति सिखानी। मैं इसीलिए दीपक जी का धन्यवाद देता हूँ, आज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा करते हैं। उन्होंने हमें पुनः इस पर चिंतन करने के लिए कहा, और मेरा मैं समाप्त करूंगा एक ही अनुरोध कि हमारी सत्ता बहुत अच्छी है, दूसरों की सत्ता ग्रहण नहीं करें, अपनी सत्ता को बताएं, समझाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह दिल्ली प्रदेश भी एक बेहतर प्रदेश हो जाएगा अगर हमारी संस्कृति का प्रभाव यहां भी पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री आर के सिंह जी, आपने सही ही कहा कि आदिकाल से ही शक्ति की आराधना से ही फल की प्राप्ति होती है। देवता भी शक्ति की आराधना करते थे तो उन्हें राक्षसों पर विजय होता था। राक्षसों में भी ये उदाहरण देखने को मिला कि मेघनाद ने देवी निकुम्बला की आराधना शुरू की लक्ष्मण पर विजय प्राप्त करने के लिए। फिर जो हमारे मानव क्यों नहीं करते, श्री रामकृष्ण परमहंस ने काली माता की आराधना की, वो अनन्य भक्त थे एवं माँ शारदा उनके स्वप्न में दर्शन करते थे, और हमारे लिए ऐसी विभूति छोड़ गए जिनको आज हम अध्ययन करते हैं तो समझते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी जहाँ सोचते थे वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आइए तो आओ श्रोता सबके किछ गीतनाद सेहो हेबाक चाहिए। तो हम आमंत्रित करै छियनि मंच पर श्री दिलीप दरभंगिया जी के, जब मैथिली में एकटा एकदम बढ़िया गाना जे छै ने से सब गोटा के निक लागि जेतनि, झूमऽ लागत तेहन गाना आबि के सुनथिन भक्ति में पहिने, आ तकर बाद एकटा भोजपुरी में। दिलीप दरभंगिया जी महिला कलाकारा छथि, सोनी झा जी हुनको मंच पर आमंत्रित करबनि जे ओ मंच पर आबथ, अहाँ सबके बिल्कुल मंत्र मुग्ध कह दे, जोरदार ताली से इनका स्वागत करियो। कि वह दिलीप दरभंगिया छे जिनका अहाँ सब एक डेढ़ लाख पब्लिक के भीड़ में सेहो देखने छियनि का बेर। सोनी झा जी के लेल माइक। Thank you.
सबसे पहिल पुरस्कार छ विजय जी के लेल श्री विजय चंद्र मिश्र अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष है मिथिला भवन बनेला थे हिनकर पूरा जिंदगी मैथिली के सेवा में गुजरल छ अपन जीवन के समाज के लिए समर्पित कर देने छथिन दिल्ली समाज हिनकर सहयोग में कहियो विसर नहीं सके छ हमरा सब के सहयोग गाइड केने छ खास कर के हमरा त बहुत बेसी गाइड केने छ जे समाज से केना जुड़ी केना लगा होए तो आओ श्री विनीत विजय चंद्र मिश्र जी अहाँ के सम्मानित करते हैं हमारा मुख्य अतिथि श्री आर के सिंह जी श्री आर के सिंह जी रिटायर्ड IAS पूर्व गृह सचिव भारत सरकार एवं लोकसभा सांसद श्री विजय चंद्र जी कहूंगा आप लोगों को बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद।
जो हमारे उम्र के हैं उनको इंग्लिश में तो बाय बाय कहते हैं, नहीं कहना चाहिए, अभी यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आसमान नहीं कि सितारे लुटा सकूं, मैं आसमान नहीं कि सितारे लुटा सकूं, मौसम भी नहीं हूं कि बहारे लुटा सकूं। शब्दों का बादशाह हूं चौकी लिखता हूं हुजूर, शब्दों का बादशाह हूं शायर नहीं जनाब, अक्षर लुटा रहा हूं जितना लुटा सकूं। मेरे पास और कुछ भी नहीं है, केवल अक्षर ही लुटाने के लिए है। मैं पत्रकार बंधुओं के लिए सिर्फ दो लाइन कहना चाहता हूं। पत्रकारिता जगत में आज बहुत सारे ऐसे पत्रकार हो गए हैं जो कंचुकिया की शिकार होने जा रहे हैं। कंचुकिया मतलब होता है, उसको हिंदी में कहते हैं बुरा मत मानेगा, दलाली करते हैं। वो भी उनकी एक मजबूरी हुई। हर पत्रकार की एक जिंदगी होती है और उस जिंदगी में कभी सुख तो कभी छाव होते हैं। लेकिन दोस्तों पत्रकार की जिंदगी अक्सर दुखी भरी ही होती है, उनके परिवार हर समय दुख ही करते रहते हैं। कारगिल का युद्ध हो और कोई बेटा अगर उस कारगिल के युद्ध में लड़ाई करने के लिए गया हो और उनकी माँ के दिल पे क्या बीतता होगा उस समय, ये महसूस कीजिए कि कब गोली चले और मेरा बेटा में सीना को छलनी कर दे। उसी तरह एक पत्रकार की जिंदगी तो हर रोज हर पल एक मौत के मुंह में ही रहती है। आंधी हो तूफान हो, रात हो दिन हो सुबह हो, पत्रकार ही एक ऐसा है हर जलवा को कैद करने के लिए आप तक पहुंचाता है। सुबह उठिए तो आप अखबार देखिए, न्यूज चैनल देखिए, बिना पत्रकार के कैसे संभव है। और इन्होंने जो पत्रकार को आज संबोधित किया है, मैं इनसे आज इतना प्रभावित हूँ कि कोई तो हुआ जो पत्रकार को कदर करता हो, और पत्रकार का जो कदर करे वो देश का बेटा कदर करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। दीपक झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फाउंडर अध्यक्ष श्री हेमंत झा जी के मंच पर आगरा करवन जो आवत और श्री आर के सिंह जी उनका पुरस्कार दे। अब आगू के सांस्कृतिक कार्यक्रम में तकरा चलबे के लिए हम मंच पर आमंत्रित करबन उसका उद्घोषक श्री छोटू कृष्णा जी के जो मंच पर आवत और अहा सबके सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा के आनंद में डुबाव। श्री छोटू कृष्णा समय बहुत कम कार्यक्रम के आगे बढ़ रही, लेकिन ताइसे पहले हमारे जितने भी साझीदार बंधु छी उनका से गुजारिश यथाशीघ्र मंच परिवार के कष्ट करी परमादरणीय मनीष भैया, अगर हमारा आवाज अपने के काल तक पहुंचित हुए तो अविलंब अपन सास परिवार के कष्ट करी। अपने सबके कह दिया आई 3-4 साल पहले हमारे भाई किशन कन्हैया जी से मैथिली में बहुत बढ़िया गीत गवै छथि, अपने सब सुनते हेबे रुन छुन पाई न बाजल जाय कारा चो गे पैया रूप लागे छ तोहर बेजो ओहो अच्छा है अपने सबके बीच में। लेकिन कही 3-4 साल पहले देखन हो दीदी आल है ठुकमाई के लिए
तो जहन हुनका गांव जेबा के रहन तो हमरा कहले जे भाई हम गांव जेबे हम कहलिए ठीक छै त जाओ की दिक्कत छै तब कहले कि ओ संदेश कथि लऽ जइए हम कहलिए भाई अपना एहिठाम तऽ सब किछु भेटते छै ओहि टाइममे पेप्सी कोको कोला नहि भेटै बिजली के अभाव में जहिना कहलिए तहिना बेचारे चारि पाँच टा बोतल कीन लेलकै गेलै गाँव पिछला गाँव में घर में जाके झोरा राखि लेलकै गेलै उधर पोखरि में नहाय लए परदेश सदे केओ जाइ छै तऽ पोखरि के बहुत याद अबै छै लोक के काम के बाते अलग छै गेलै पोखरि में नहाय लए तबे टोल पड़ोस के जते धियापुता छलै सब चलि गेलै हिनका मालक में कहलकै काकी की सब अनलकै किशोर काका कनी हमरो सबके दिए ने हिनकर माँ कहलखिन हिनका कनिया के ये सुनै छियै बेलोड़ वाली की कहै छथिन माँ पढ़ल लिखल रहथिन जे बोतल के सील खोलै नहि अबै बेचारी सीलोट पर लग गेलखिन आलो नहीं से थकुच देलखिन आ जते बुढ़िया पैसा छले सब के माथ में घर चुरू के पेप्सी द देलखिन कहते बाबू रो बाबू हमरो ओकरा लगे तुही जी रो बाबू कत से के ठन ठाकी द चाब समस्त सम्मानित श्रोता जो नीक लागल हुए लेकिन आशीर्वाद स्वरूप जोरदार थम्मी से स्वागत करिए राव बिना कोनो विलंब के मंच पर मंत्र सिद्ध कर चाहब कभी सजनी सुन ले गजरा वाली सके चौबनिया मुस्कान सजनी सुन ले गजरा वाली सके चौबनिया मुस्कान छोड़ा दर भगिया के सफलता बना दिलक मिथिला के निशान दर्शन दिया मैं कैसे के सुन के दर्शन दिया मैं कैसे के सुन के खूब भेटल घर घर सम्मान हर में सपना सजावत रहे एक बरस एक दिन बितावत रहे जहिया दोनों के दिन मतूल सही ओही नवास हर दिन लगावत रहे लोरी भर के मनों की मानत है I'm
पिया मन